फर्क। ये अभी हमने ना बोनट नीचे रख दिया, वो जो दो ब्लॉक्स हैं इसके ऊपर तक आएगा बोनट। दिव्यांशु भाई को गुस्सा आ गया। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज देखो हम किसी से बात कर रहे हैं। देखो ये कह रहे थे हम जलंधर में काफी टाइम हो गया हमें मिले, तो फर भाई को किडनैप करके ले आए। अभी देखते हैं क्या सीन बनता है और चलते हैं बाहर वाली साइड। तो भाई साहब आप देख सकते हो हम लोग शरीफ चप्पलों वाले साधारण लोग। ये देखो गॉगल शॉगल लगा के एक और फॉर्च्यूनर ले ली इन्होंने। पर भाई कहाँ से आते हो इतना पैसा? ये यार चलाने के लिए रखी हुई है ना। अच्छा अच्छा, मतलब हर एक सिटी में एक एक फॉर्च्यूनर रखी हुई है और सारी टाइप टू। चलो ठीक है, तो भाई चलो चलते हैं सीन दिखाते हैं आपको। फिलहाल आज मौक को भेज रहे हैं वापस, तो चलो सीन दिखाएंगे आपको। और भाई साहब ये देखो ऐश भाई आ गए हमारे साथ। ऐश भाई क्या हाल है? ठीक हो? क्या कर रहे हो? मजे में भाई। आज फिलहाल मर्सिडीज वापस जा रही है, अभी ट्रॉले का वेट कर रहे हैं। तो चलो जैसे ही आ जाता है वो तो फिर आपको दिखाते हैं। और भाई साहब बाय बाय कर रहे हैं अपनी मौत को। अब पर भाई हमें घुमाएंगे यहाँ पे फॉर्च्यूनर्स में। फॉर्च्यूनर नहीं, फॉर्च्यूनर तस्करी करेंगे गाड़ियों की। अब इसको भेजेंगे, अब इसको भेजेंगे, इसको भेजेंगे, यही करते रहेंगे जिंदगी में। तो भाई चलो चलते हैं। और भाई साहब सुबह की हो गई है शाम और अभी हम निकले थे गेड़ी वेड़ी मारने और यहाँ पे आपको बंदों से मिलवाते हैं। ये आयुष सुबह की शाम नहीं होती, फिर सुबह की क्या सुबह होती है? है सुबह की, सुबह होती है शाम की शाम। सारे कमेंट करो इसके खिलाफ। बाकी शुभम भाई, राहुल भाई, मन्नत भाई रोला जमा रहे हैं। रोला हाँ जी, मन्नत भाई क्या हाल है? ठीक हो तू? क्या हो गया, दुखी हो जिंदगी में? कोई बात नहीं। मन्नत भाई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो? ये मैं पी रहा हूँ एप्पी। एप्पी फिज? एप्पी फिज। ओके ओके। मैंने सुना 22 इंची डलवाने हैं आपने। चलो ठीक है। और भाई साहब ये आ गई वाइल्ड कार्ड एंट्री। ये अच्छा, ये भाई, ये भाई इनको तो जानते हो। हाँ जी ये क्या हाल है? ठीक हो? बढ़िया। हाँ जी आपको तो दुनिया जानती है। ठीक हो? The next day. Oh, hello and welcome back to the channel. आप आ चुके हैं और वीडियो में। हमें सुबह सुबह जा रहे हैं यार जम्मू से, एक बहुत स्पेशल चीज आई है, आपको दिखाते हैं सीधा पहुंच के। हम अभी फिलहाल आ गए हैं सुबह सुबह कहाँ, यहाँ पे। तो ट्रॉलों में जैसे आपको बताया आज भाई ने, तस्करी हो रही है गाड़ियों की, इधर से उधर जा रहे हैं। बाकी चलो अभी खुलवाते हैं इसको, देखते हैं अंदर से कौन सी गाड़ी आई है आप लोगों के लिए, जो सरप्राइज है। तो चलो, तो भाई खुल रहा है हमारी खुशियों का पिटारा। इसमें से आज एक जैसे टॉय आता था ना, नई नई अनबॉक्सिंग करते थे, वैसे अपना एक टॉय आ गया। ओ देखो टॉय। अब ये आ गई अपनी यहाँ पे, जो फिलहाल यूज़ करेंगे हिशाम भाई की गाड़ी। तो इसमें भी बहुत सारे मॉड होने वाले हैं, वो आपने गेस करना है नीचे कमेंट बॉक्स में, क्या क्या मॉड होने, कैसे कैसे मॉड होने, और वो चैनल पे दिखना है आपको। बाकी भाई साथ साथ वॉन्डरर्स को जाके फॉलो भी कर लेना। और अभी आपको सीन दिखाते हैं, पहले घूमेंगे। आज अपने पास गाड़ी आ गई, बड़ी खुशी है। और भाई साहब ये आ गई बाहर, गंदी हो रखी है, इसको वॉश वॉश भी करवाएंगे। वो साइलेंसर भी खुल गया इसका, तो चलो यार ये भी कराएंगे। बाकी यार चलो, बड़ी सुंदर लग रही है गाड़ी, इसकी भी शायद सारी लुक चेंज होने वाली है। खैर वो आपने गेस करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी चलते हैं सीधा अंदर से आपको सीन दिखाते हैं। और भाई अभी आए थे गाड़ी के अंदर, इतने में हमें भाई मिल गए। भाई क्या नाम है आपका? और भाई फिलहाल अभी इस गाड़ी का ना एसी नहीं चल रहा है, तो अभी सबसे पहले इसका एसी चलवाते हैं, क्योंकि जलंधर में रहना है ना, तो एसी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी छोटी मोटी लाइट्स आ रही है, इनको भी क्लियर कराते हैं, एंड के माइनर बग्स एंड फिक्सेस है वो कराते हैं। और हर्षु भाई ने जो गंदी कर रखी है इसको साफ भी कराएंगे, और सीधा चलते हैं अभी प्रोजेक्ट 6x6 के पास। और भाई साहब अभी पहुंच गए थे फिलहाल, अब आपको 6x6 दिखाता हूं। तो ये देखो भाई 6x6, इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो इंजन प्रोटेक्शन है वो आ चुकी है। ये देखो, ये रेडिएटर की प्रोटेक्शन, इंजन जो मतलब फेंडर्स जैसे इसके बाहर आएंगे ना, तो इसको प्रोटेक्शन चाहिए थी, तो ये उसके लिए किया है। बाकी भाई इंटरकूलर, रेडिएटर और कंडेंसर अपनी जगह पर लग चुका है। स्टेयरिंग इसका चालू हो गया है, मोस्ट प्रॉब्ली आज आपको छोटी सी ड्राइव मार के दिखाएंगे इसकी। और फिलहाल यहाँ से अपना गियर लीवर बाहर आएगा। सीट्स देखते हैं किस गाड़ी की लगानी है। हार्ड टॉप, कस्टम बेड, सिक्स व्हील ड्राइव, ऐसे ऐसे चलेगा आगे। अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखो बस। और बस अभी फिलहाल यही हुआ है, वायरिंग आज कनेक्ट होगी, शाम तक स्टार्ट होगा, फिर चलेंगे बाहर लेके इसको।
दिनांश भाई ठीक हो? एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है? बस पहले सेवा चल रही है, उसके बाद आपकी सेवा चल रही है। तो भाई कैसी लग रही गाड़ी? मॉन्स्टर। इसको भी और मॉन्स्टर बनाना है अभी। और भाई साहब ये देखो, ये आ गया 37 इंच का टायर। अभी इसकी मेजरमेंट्स ले रहे थे तो ये आ गया 35, और उसके लिए आप देखो इतना डिफरेंस है। बाकी पता नहीं किस गाड़ी का है, दिव्यांशु भाई बता सकते हैं वो। बाकी लगेगा मॉन्स्टर जिसमें भी लगेगा। और भाई साहब अभी देख रहे हैं कि इसका एसी क्यों नहीं चल रहा है, तो वो चेक करा लेते हैं, तो फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। ये क्या लगता है, क्या खराब होगा? चलो भाई दिखाते हैं सीन आपको। और भाई साहब अभी फिलहाल पहुंच गए थे दिव्यांशु भाई की शॉप पे। तो दिव्यांशु भाई की शॉप का दो तीन बंदों ने एड्रेस भी पूछा, दिव्यांशु भाई बता दो भाई। सीधा एड्रेस तो यही है, नेविगेशन पे गोयल मोटर जलंधर डाल दो। ओके। और भाई मैं बता रहा हूँ, कभी कोई भाई है जो मिलना भी चाहता है तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इनके साथ ही होता हूँ, तो आ जाओ इधर और मिल लो। अभी आज का क्या प्लान है? आज का प्लान गाड़ी आपको स्टार्ट करके देते हैं, थोड़ी चला सकते हैं, कोशिश पूरी है। चलो ठीक है। बाकी अभी यार इसका स्टीरियो नहीं चल रहा है, वो स्टीरियो भी ठीक करा रहे हैं, और साथ साथ में यार इसका एक वो फोम वाला हैंड रेस्ट है ना, उस पर फोम लगवानी थी। बाकी चलो दिखाता हूँ सीन आपको। और भाई साहब वहाँ से आगे थे वापस, तो ये आगे अपना पोल्यूशन भी करा दिया है यहाँ से, एंड अभी चलते हैं यार इसका सिस्टम ठीक करवाते हैं, फिर चलते हैं घर, फिर आएंगे दोबारा 6x6 की टेस्ट ड्राइव लेने। और भाई साहब सुबह सुबह लग गया है फटका चलान का, बट चलो क्या करें, अब छूट गई गाड़ी वही बहुत बड़ी बात है। तो चलो चलते हैं भाई नेक्स्ट लोकेशन पे, अपना सिस्टम चालू करवाते हैं, फिर आपको सीन दिखाते हैं। और भाई साहब अभी फिलहाल इसकी जो तारे हैं वो टूट गई थी, और अब सॉकेट चेंज करना पड़ेगा, तो अब सॉकेट चेंज कर रहे हैं और फिर आपको दिखाएंगे आगे का प्लान। और भाई साहब अभी हो रही है गाड़ी वॉश, तो गाड़ी वॉश हो जाए यार, फिर घर जाना है, चेंज करना है। सुबह आपको पता है कितने बजे के निकले हुए हैं, तो चेंज करके फिर आपको उस प्रोजेक्ट 6x6 दिखाएंगे, और आज उसको चलाना भी था, बट चलो क्या करें। और फाइनली यार क्लीन गाड़ी में आने का अलग ही मज़ा है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस चेंज वेंज करने, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे 6x6 को देखना है। बहुत लेट हो गया भाई, अभी मेरे ख्याल से 2-3 बज गए, अभी कुछ भी नहीं हुआ सुबह से। और वैसे फिलहाल रेडी वेडी होके आ गए, जिम के शूज़ हमने ले लिए हैं, तो सीधा पहले चलते हैं 6x6 वाली साइड, फिर चलते हैं जिम वाली साइड। और भाई साहब अभी आ चुके हैं हम लोग दिव्यांशु भाई के साथ। दिव्यांशु भाई कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अपनी 700 के पास। तो भाई 700 के पास जा रहे हैं, उसमें देखते हैं क्या रिपोर्ट है आज, क्या क्या होना है, कैसे होना है, और फिर दिखाते हैं आपको सीन वहाँ पे। आज लगता है कुछ हुआ होगा? उम्मीद तो है। 6x6 का क्या सीन है? 6x6 पे पूरी उम्मीद है, आज शायद कोई झटका मिल जाए। तो चलो भाई आपको सीन दिखाते हैं। अभी फिलहाल देखो दिव्यांशु भाई, ये गर्मी कहाँ से हो गई एकदम से? ये गर्मी ना इधर से हवा आ रही है। अच्छा, नहीं ऐसे नहीं, सूरज वाली गर्मी तो होगी ना, जलंधर आ गया, जम्मू नहीं है, जम्मू में इससे ज्यादा भैया, क्या बताऊं आपको। और चलो भाई। और भाई साहब ये देखो यार, ये आएगा फर्क, ये अभी हमने ना बोनट नीचे रख दिया, वो जो दो ब्लॉक्स हैं इसके ऊपर तक आएगा बोनट, तो यार बहुत फर्क दिखने वाला है, ये बहुत चौड़ी लगने वाली है उससे। वो ओरिजिनल शेप थी हमारी, और ये अब हम बनाएंगे, मतलब अभी ये ऑड लग रही है मुझे पता है, बट जैसे बोनट ऊपर जाएगा, अपना फेंडर थोड़े बाहर आएंगे इससे शेप वाला, तो गाड़ी ना बहुत सुंदर लगने वाली है। अभी खैर इसका कोई काम नहीं हुआ भैया से, पूछते हैं क्या चक्कर है यार, कब तक देंगे गाड़ी, प्रोजेक्ट डिले होता है, फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बाकी भाई अपने प्यारे कमेंट्स करना ज़रूर, जो आपको लगता है नेगेटिव कमेंट है उसका खुद ही रिप्लाई कर दिया करो, अच्छा लगता है दिल से कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। बाकी चलो यार देखते हैं क्या सीन बनता है। और भाई साहब हम आगे थे, और भाई क्या हाल है, ठीक हो? मैंने लोगों को बोला है कि आज आपके आने का स्पेशल रीज़न है, क्या रीज़न है वो सारा नहीं बता देना, मतलब कुछ स्पेशल आने वाला जो हमें लोग कहते रहते हैं बार बार की। भाई इतनी शर्म आ रही है ना, कसम से शर्म आ रही है, क्या करें, जनता को चाहिए तो ऑप्शन भी नहीं है ऊपर से, भाई सारे ऑप्शंस कर लिए, बट चलो। पर भाई अभी लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हो? मैं अब इट्स माय काइंड ऑफ अ प्लेस कार्लाइल से, तो भाई साहब ही इज एंटरिंग इनटू माय वर्ल्ड नाउ, रादर आई एम एंटरिंग इनटू दिस। भाई बड़ा दुख हो रहा है, बट चलो क्या करें, चलते हैं सीधे लोकेशन पे, 1.7 किलोमीटर दूर है, तो फिर सीन दिखाएंगे आपको। पर भाई ये मुझे कहाँ लेके आ गए हो? नहीं पर भाई ये मैं ये पाप मेरे से नहीं होगा, यही पाप करवाना वैसे आपकी जनता चाहती है, ये मैं नहीं चाहता ये। क्या सीन है, किधर लेके जा रहे हो? पर भाई ये तो आपकी फॉर्च्यूनर वाले अलॉय नहीं है? और क्या, बट ये थार के लिए ये 5 होल है, इसकी पीसीडी डिफरेंट है मेरे वाले से, क्योंकि साथ में फिलिप्स देख रहे हैं। हां जी, फिलिप्स वाले से डेफिनेशन है कि सब सामने पता लग गया था कि ये थार की पीसीडी वाले और फॉर्च्यूनर की पीसीडी वाले में प्लेन आते हैं। तो भाई साहब दो ऑप्शन पर भाई बोल रहे हैं, या ये
बट ये कौन सी गाड़ी के लिए? भाई एक थार आ रही है ग्रुप में नहीं। अच्छा, उसके लिए। चलो भाई तो बढ़िया। थार जैसे सामने से जो रैंगलर जैसी लगेगी अब थोड़ी थोड़ी, वो पता नहीं कौन सी थार है, ऐसे क्या बोलते रहते हैं, पर भाई रब भी जानता है। बाकी चलो यार सीन दिखाते हैं आपको। पर भाई आपने बाहर क्यों रखवा दिया? नहीं नहीं ये थोड़ी ये लग सकता है पुरानी कार में, ऐसे खाली रख के देख लेंगे, लगाएंगे नहीं, ठीक है? नहीं हम नहीं लगाएंगे, हम मगर नहीं लगाएंगे। आशु भाई की गाड़ी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या हो गया भाई? हमने कौन सा कहा कि मैं 700 में लगाने लगा। चलो भाई। और भाई साहब ये हाशु भाई की गाड़ी में लगा के पता नहीं क्यों देख रहे हैं, पर भाई नहीं, पर भाई ने बोला है ऐसे लगा के देख लेते हैं, लगाएंगे तो नहीं हम वैसे, बट चलो कोई बात। और भाई यहाँ पे जो छोटा मोटा काम था वो हमने कर दिया है, और अब हम जा रहे हैं किसके पास भैया? हाँ पहले नाश्ता करके फिर कहाँ? 6x6। तो भाई 6x6 आज आपको चला के दिखाएंगे, पर भाई ने पहले भी बैठे और अब बैठेंगे, फिर डिफरेंस बताना क्या है। चलो भाई। और भाई साहब अभी हमने पर भाई को छोड़ दिया है और अब हम जा रहे हैं सीधा गोयल मोटर्स, और वहाँ पे पहुँच के सीधा हम आपको दिखाते हैं प्रोजेक्ट 6x6 और उसका क्या हुआ है आज एंड क्या उसका प्लान होने वाला है आगे का। आज मोस्ट प्रॉब्ली छोटा मोटा ना शायद आपको ऑफ रोड भी करके दिखा दें, बट पूरा ना गंदा हो जाएंगे, बट चलो क्या करें, नेक्स्ट लोकेशन पे चलो और फिर देखो। और भाई साहब पहुँच गए थे फाइनली अपनी प्रोजेक्ट 6x6 के पास, तो आज यार मेरे ख्याल से हाँ देखो ये टर्बो की पाइप्स वाइप्स कनेक्ट हो रही हैं फिलहाल, ये आ गई टर्बो की पाइप्स, पावर स्टेयरिंग का ये जो ऊपर का ये है लग चुका है रिजर्वायर, एंड इंटरकूलर भी अपनी जगह पे बैठ चुका है, रेडिएटर, अच्छा रेडिएटर शायद ऊपर से खाली ये वाला बोर्ड लगाना है ऐसे। बाकी आज आपको चला के दिखाएंगे अपनी प्रोजेक्ट 6x6, बैटरी भी लग गई है, वायरिंग भी हो गई है, तो सीधा अंदर चलते हैं देखते हैं क्या सीन है। और भाई अभी आगे 6x6 के अंदर ये इसमें आ गया एक एंगल गियर लीवर, वो आ गया हमारा ECU। ये भैया पता नहीं क्या ट्रैक क्या कर रहे हो भैया, ट्रैक हम इसका सेल्फ ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ तार मिस है का। अच्छा बाहर से नहीं चल रहा था उसको, अब मैंने तार टच करके स्टार्ट करना है? नहीं नहीं स्विच के साथ ही लगा। अच्छा तो दिव्यांशु भाई पता नहीं कहाँ, दिव्यांशु भाई चले तैयार हो फिर? तैयार है आपके साथ ही। एक्सेलेटर भैया बांध दो। और भाई साहब अभी गाड़ी ना फोर व्हील ड्राइव लो में, और फोर व्हील ड्राइव का अभी ना लीवर होता है, तो इसीलिए अभी हम क्या करेंगे इसको थोड़ा लो में ही चढ़ाएंगे, कोई ऑब्स्टिकल लेते हैं वहाँ पे, अच्छा सा थंबनेल लेते हैं फिर। और भाई साहब ये देखो यार, ये अपने आगे की शाफ्ट है और ये अभी चल रही है, अभी गाड़ी लो रेंज में फंसी हुई है, तो फंसी तो नहीं है, बैक जाना है। चलो भाई फील आ रही है चलाने में। देखो भाई कितना टॉर्क है, थर्ड गियर में उठा है, और भाई साहब फोर व्हील ड्राइव लो में है गाड़ी और इतनी पावर है ना मैं आपको क्या बताऊं भाई। और भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी खुशी हो रही है, ये देखो 4x4 में एक आगे का टायर एक पीछे का टायर घूम रहा है, इसका मतलब ये गाड़ी बन गई है 4x2 से 4x4, एंड साथ साथ में भाई CRD इंजन के साथ हमने स्टार्ट कर दिया, और इतनी पावर है ना यार मैं बता नहीं सकता भैया खुशी कितनी है। ये देखो भाई आगे का टायर घूमते हुए। और भाई साहब अभी ले लिया छोटा सा थंबनेल अभी फिलहाल, ये देखो थोड़ा थोड़ा सा ना ये पावर स्टीयरिंग लीक हो रहा है, नहीं नहीं कूलेंट लीक हो रहा है ना, कूलेंट का वो नहीं ना उसका रेडिएटर कैप नहीं लगाई, बेसिकली कैप इसलिए लगाई यार क्योंकि प्रेशर सिस्टम है, होजेज अभी टाइट नहीं है, तो इसकी वजह से कहीं वहाँ से लीक ना हो जाए। बाकी ये देखो भाई दिव्यांशु भाई की तारों की टेक्निक स्टार्ट करने की। चलो चलो जी काट लो पीछे। तो भाई साहब ये देखो, ये देखो भाई मॉन्स्टर बन गया मॉन्स्टर। अभी जब दो टायर और लग जाएंगे तो तब सोचना क्या लगने वाला है। ये देखो भाई वो देखो आगे का टायर फिर घूमा था, जान दो स्पीड पे दे रहे बस की।
वो दिव्यांशु भाई फुल गुस्से में आ गए। इसी पे से चढ़ाओ। ओ भाई नेक्स्ट लेवल। 4x4 होने के बाद ये देखो जमीन काट के गई है। बाकी चलो यार अब चलते हैं वापस, इसको लगाते हैं। और मतलब यार मैं इतना खुश हो गया ना आज चलते हुए 4x4 को देख के कि कोई वर्ड्स ही नहीं है। तो भाई साहब दिव्यांशु भाई कह रहे हैं हम इम्पॉसिबल अटेम्प्ट करने, वो देखो ओ प्रावा वो देखो जंगलों में ले गए गाड़ी को। भाई लग देखो कैसी रही है यार, एकदम रॉ सी गाड़ी है ना वो देखो। और भाई ये नहीं बोलना कि फसल ख़राब कर रहे हैं, ये सब कटनी है, इसके बाद ही यहाँ पे प्लॉट्स बनते हैं। तो ये और दिव्यांशु भाई की अपनी है शायद। बाकी ये देखो भाई नेक्स्ट लेवल, भाई नेक्स्ट लेवल होगी गाड़ी। चलो भाई ये प्रोजेक्ट जो है ना ये आप लोगों के सपोर्ट के बिना पूरा नहीं हो सकता था। आपको पता है जलंधर में रह रहे हैं सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के चक्कर में। बाकी अब तो हमने 700 भी ले लिया एज प्रोजेक्ट, शायद ही श्याम भाई वाली गाड़ी भी ले लेंगे एज प्रोजेक्ट। बट अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखो, कमेंट कर दो अच्छा सा। आपके भाई को आपके कमेंट्स की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो साथ साथ में। देख रहे हो भाई अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर बन गया ये। दिव्यांशु भाई क्या करने लगे हो? अरे भाई क्या कर रहे हो? ओए 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 वाओ वाओ व्हाट इज हैपनिंग भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? दिव्यांशु भाई को गुस्सा आ गया। ओए ओ भाई 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 ये हो क्या रहा है? तो भाई ये देखो ऑफ रोड में इसकी कैपेबिलिटी देखो, क्रॉस एक्सल होगी गाड़ी। चलो जान दो अब। ओ भाई गैराज नहीं तोड़ देना गाड़ी तक ठीक था। ओ भाई नेक्स्ट लेवल, भाई नेक्स्ट लेवल चीज थी यार। बाकी अब तो अपना कमेंट दे दो यार, अब तो अपना प्यारा प्यारा कमेंट दे दो। ओ भाई दिव्यांशु भाई सारी चीज़ें एक साइड, वो जो गाड़ी ठोकी उसकी क्या गलती थी? उसकी गलती ये थी कि इसके आगे आ गया। ओ भाई नेक्स्ट लेवल यार। देखो इसको तो कुछ हुआ नहीं बट उसका नुकसान तो हमने देख लिया वीडियो में। बाकी चलो वो भी दिव्यांशु भाई की गाड़ी है भाई, दिल खुश कर दिया भाई 6x6 में। मेरे को जितनी खुशी है आई होप आपको भी इतनी खुशी हो। तो नीचे ज़रूर अपना अच्छा सा कमेंट दे देना ठीक है। तो चलो भाई इसको करते हैं बंद, थोड़ा कूलर लेते हैं, पसीना वसीना आ गया। और भाई साहब ये फाइनली हमारे एक बहुत सही सा पार्सल आ गया है, तो भैया खोल के दिखाओ इसमें क्या है। तो भाई ये सब आया है हमें प्रोमैन भैया की तरफ से, मैं बता रहा हूँ इंडिया में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं वो क्वालिटी के वाइज में। ये ना रूफ़ की मार्कर लाइट्स है बट आप इनकी क्वालिटी देखो बस, ये प्रॉपर इन्होंने मतलब प्रोमैन की ऐसी है कि कोई भी चीज़ ना ऐसी नहीं होती बिलो क्वालिटी, मतलब हमेशा जो भी होती है वो नेक्स्ट लेवल ही होती है क्वालिटी के मामले में। ये देखो भाई मतलब मैं बता नहीं सकता आपको फील करके इसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है। बाकी ये देखो प्रोमैन बिल्ट टू लास्ट। बाकी यार सब प्रोमैन को विजिट कर सकते हो, प्रोमैन टूल्स का इनका इंस्टाग्राम आ गया, ये स्टिकर अपनी गाड़ी पे जाएगा और 6 लाइट्स आई है प्रोमैन भैया की तरफ से। तो भाई सब अभी आपको जला के दिखाते हैं कैसी दिखती है जलने में। वाह 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 भाई देखो यार एक बार कितना प्यारा लग रहा है, सटल और अच्छा। और इसमें से ना यार कोई लीकेज वाली प्रॉब्लम भी नहीं होगी, सीधा हम ऊपर ना अपने गाड़ी के ऊपर रखवा देंगे जिससे लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। व्लॉग यार एक दिन वीडियो डिले हुई सिर्फ इसी पर्पज़ से कि आपको हमने क्वालिटी कंटेंट दिखाना था, कुछ भी नहीं दिखाना था। बाकी अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखना। लव यू ऑल एसक्यू फैमिली।